हेलो लवलीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हेल्दी, फिट एंड फाइन वेयर एवर यू आर। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आज लिपस्टिक शेड्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। येस ऑफ कोर्स, वेडिंग सीजन अपने पीक पे है और मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर मुझे ब्राइड्स पे या पार्टी मेकअप करना हो या सेल्फ मेकअप के लिए अगर मुझे अफोर्डेबल रेंज में लिपस्टिक्स बता दी जाए और जिसमें अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएँ। तो मैं एक ब्रांड को मैंने डिस्कवर किया, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी और उसके कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। एंड येस ऑफ कोर्स, मैंने ब्राइड्स पे भी यूज़ किया है, पार्टी मेकअप पे किया है और सेल्फ खुद पर भी किया और मुझे उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। सो आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ फ्रॉम द ब्रांड नन अदर देन रिकोड। इसकी ये 10 लिपस्टिक्स का पैक आता है। ये मिनी लिपस्टिक्स है मगर दीज लिपस्टिक्स ग्लाइड्स लाइक बटर ऑन योर लिप्स। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे अफोर्डेबल रेंज में चाहिए था कि वो ट्रांसफ़र प्रूफ भी हो और शेड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ट्रेंडिंग हो और अफोर्डेबल रेंज में हो। तो येस, मैंने इनकी ये सिल्की मैट वाला पैक ऑफ 10 ऑर्डर किया था एंड मैंने इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था। आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से ये मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज होती है। और ये इनकी मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं जिसमें रोज़ ऑयल एंड शिया बटर होता है और ये बहुत ही स्मूथली आपके लिप्स पे ग्लाइड करती हैं। इसमें ऑल टोटल 10 शेड्स होते हैं एंड इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को रिच बनाते हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं कि ये क्रीमी मैट होती है, इसका टेक्सचर ये फुल्ली पिगमेंटेड है, एक्सीलेंट कलर इस पर आ जाता है जस्ट वन स्वाइप में। इसका मैंने शेड नंबर 3 अभी अप्लाई कर रखा है अपने लिप्स पे और बहुत ही लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत हैवी हैवी सा है। और इसकी एक्सपायरी भी अराउंड 3 to 4 ईयर्स की आपको मिल जाएगी, 899 रुपीज़ की इसकी MRP है। एंड डेफिनेटली अगर आप वेबसाइट से या ऑफलाइन भी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक लिपस्टिक की जो क्वांटिटी है वो 1.25 ml है और ये टोटल 10 यूनिट्स आती हैं। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ बट मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने इसकी पैकेजिंग रखी थी, काफ़ी क्यूट है। और इस पैकेजिंग को भी आप रख सकते हैं इफ़ यू आर फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट लाइक आई डू, कि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइक प्रोडक्ट्स को अच्छे से उसको रखना होता है ताकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो, तो ये पैकेजिंग भी बहुत सही है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें 10 शेड्स है जो मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं वन ऑन वन आपको शेड जो है वो आपको शो करूंगी, अपने हाथ पे स्क्वैच करके दिखाऊंगी। ये शेड नंबर 1 है, आपको इस तरीके से शेड्स जो हैं वो वहाँ यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यू कैन सी, मैं आपको ग्लाइड करके दिखाती हूँ, दिस इज द शेड, यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड द लिपस्टिक इज। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज दिस इज शेड नंबर 2, मैं इसको भी आपको शो करती हूँ सो दैट आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो इसको आप अपने लिए भी ले सकते हैं, आपको जो शेड्स अच्छे लग रहे हैं आप पिक करिए, नेक्स्ट आप अपने लाइक फ्रेंड्स फैमिली में भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये शेड नंबर 3 है एंड ऑल द शेड्स आर वेरी गुड, वेदर यू आर अ फेयर स्किन टोन, मीडियम, डस्की, एनीवन, ये सबके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। एंड द नेक्स्ट शेड इज शेड नंबर 4, इसमें सिर्फ शेड नेम नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई भी नेम नहीं है। ये पैक ऑफ 10 ही आपको रिसीव होगा, लूज में आपको नहीं रिसीव होगा। सो आप यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड द लिपस्टिक इज, जस्ट वन सिंगल स्वाइप में कर रही हूँ और कितना अच्छा इस पर इफेक्ट आ रहा है। दिस इज द शेड नंबर 5, इसमें आपको सारे स्किन टोन मिल जाएंगे। लाइक अगर वेडिंग सीजन है सो आपको जैसा भी आपके पास ड्रेस है, जैसा भी आपको लुक क्रिएट करना है, आप बहुत ही आराम से कोई भी शेड पिक कर सकते हैं अपने आउटफिट के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से। एंड आप देख सकते हैं इसमें न्यूड भी मिल जाएगा एंड द साइज, आई जस्ट लव द साइज ऑफ द लिपस्टिक, इट्स टू लाइक ट्रैवल फ्रेंडली, आप आराम से अपने पर्स में एक दो शेड्स रख के आराम से जा सकते हैं। दिस इज द शेड नंबर 7 एंड मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। अभी रिसेंटली मैंने गोवा में ट्रैवल किया था सो एयरपोर्ट पे भी मैंने इसी लिपस्टिक को यूज़ किया था एंड आपको पता है कि फ्लाइट्स में कितनी ड्राई हो जाती है स्किन और चैपी हो जाते हैं लिप्स, बट येस ऑफ कोर्स इस लिपस्टिक ने मुझे बिल्कुल भी मेरे लिप्स को ड्राई और चैपी नहीं किया है। और ये वीडियो बिल्कुल भी नॉन स्पॉन्सर्ड है, आपको पता है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करती रहती हूँ बींग इन अ मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री एंड ऑल्सो आई यूज़ टू मेक व्लॉग्स, आई लव लाइक रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से मैं रिव्यू करती रहती हूँ। सो
मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। येस ऑफ कोर्स इसके मैंने कुछ फाउंडेशन ट्राई किए हैं एंड ऑफ कोर्स मैंने एक मॉइस्चराइजर बट नॉट ऑफ दिस ब्रांड अनदर ब्रांड और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। एंड ऑफ कोर्स मैंने एक बिफोर एंड आफ्टर मेकअप का भी मिस्ट ट्राई किया है, वो इसी ब्रांड का है। वो मैं आपको ज़रूर से आगे अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए सो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में येस लिखिएगा या आप रिव्यू लिखेगा, डेफिनेटली मैं उसका एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगी। सो यू कैन सी ये सारे 10 शेड्स हैं, आप देख सकते हैं, सुपर पिगमेंटेड, सुपर अमेजिंग। ये सारे मूड्स को आपके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सारे ड्रेसेस को आपके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये काफ़ी अच्छा है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी जब लिपस्टिक रिमूव करनी हो तो हमेशा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट से करिए। बेस्ट प्रोडक्ट बायोडर्मा का जो मेरे पास कोलैबोरेशन में आया था बट दैट प्रोडक्ट इज़ रियली अ हिट और उसका मैंने एक रिव्यू भी शूट किया था, आप वो ले सकते हैं। या कोई भी माइसिलर वाटर आप ले सकते हैं कॉटन या कॉटन पैड से, आप उसको रिमूव करिए, उसके बाद ही आप डबल क्लेंस करिए। अभी तो मैंने लिप्स पे लगाया, थोड़ा बहुत जो भी मैंने मेकअप किया, पहले मैं इसको अच्छे से रिमूव करूँगी। सो यू कैन सी यम दीज ऑल द शेड्स आर। आपको कैसी लगती हैं रिकॉर्ड की लिपस्टिक्स, आपके पास हैं या आप परचेज करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू लॉट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल।